पावर पॉइंट की इस वीडियो में आज हम जानेंगे कलर और ग्रे स्केल के बारे में बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कलर सेलेक्ट होता है अगर आप ग्रे स्केल करना चाहते हो तो आपको ग्रे स्केल पे क्लिक करना है जब आप ग्रे स्केल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ग्रे स्केल का टैब आ जाएगा और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे कि ऑटोमेटिक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कलर देगा तो white, तो colour, ग्रे स्केल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ग्रे स्केल कलर यानी वाइट ग्रे कलर और ब्लैक कलर मिलेगा इसके अलावा यहाँ पर वाइट और हल्का यानी लाइट ग्रे और इसके बाद थोड़ा सा डार्क ले इन्वर्स ग्रे स्केल पे क्लिक करोगे तो यानी पहला आपको ब्लैक कलर मिलेगा इसके बाद आपको ग्रे कलर इसके बाद वाइट ग्रे विथ वाइट पे वाइट फिल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ग्रे कलर और वाइट कलर मिलेगा ब्लैक विथ ग्रे कलर फिल पे क्लिक करोगे तो ब्लैक इसके बाद वाइट और ग्रे कलर ब्लैक विथ वाइट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट मिलेगा ब्लैक पे क्लिक करोगे तो ब्लैक कलर मिलेगा वाइट पे क्लिक करोगे तो वाइट बैक टू कलर व्यू पे क्लिक करोगे तो आपको कलर मिलेगा व्यू टैब में जाएंगे यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करेंगे तो ब्लैक एंड वाइट मिलेगा और आपको वही ऑप्शन मिल जाएंगे ब्लैक एंड वाइट के जो हमें ग्रे स्केल के मिल लेते हैं जैसे कि ऑटोमेटिक ग्रे स्केल लाइट ग्रे स्केल इनवर्स ग्रे स्केल और ग्रे विद वाइट और ब्लैक ब्लैक विद ग्रे स्केल फिल ब्लैक विद वाइट फिल ब्लैक वाइट और कलर टू बैक व्यू पे बैक टू कलर व्यू पे जाओगे तो आपके कलर मिल जाएंगे तो इस तरीके से आप कलर और ग्रे स्केल व्यू को यूज़ कर सकते हो कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दें